सरकार आगामी सप्ताह में स्कूलों को खोलने जा रही है लेकिन उससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बंद की गई बस सेवा की बहाली आवश्यक है जिससे कि गांवों में रहने वाले छात्र स्कूल पहुंच सके प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि स्कूल खोलने के सरकारी फरमान से छात्रों के अभिभावक चिंता में है क्योंकि कोरोना संकट काल के चलते बस सेवाएं बंद पड़ी हैं। ऐसे में छात्र स्कूल कैसे जाएंगे इसको लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और ग्रामीण अंचल में चलाई जाने वाली सभी बसों की आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों के अभिभावक इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि सरकारी स्कूल परिसरों को अभी तक सरकार ने सैनिटाइज नहीं किया है सभी स्कूलों की सैनिटाइजेशन आवश्यक है दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार छात्रों को मास्क और सैनिटाइजेशन का उचित प्रबंध करे जिससे छात्र सुरक्षित वातावरण में स्कूलों में आ सके पी के लिए हमीरपुर ऐसी ब्यूरो रिपोर्ट